हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे किसी व्यूवर ने कमेंट किया है कि मैं 6903 शील्ड बियरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इस 6903 शील्ड बियरिंग को अपने सादे एटलस साइकिल के बॉटम में बिठाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये 6903 नंबर का शील्ड बियरिंग आपको हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा। इस 6903 बियरिंग का प्राइस 50 रुपये है और दो का प्राइस 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ में आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, इस 6903 नंबर के बेयरिंग को अपने साइकिल के बॉटम में बिठाने से पहले हम इस 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग को अपने सादे साइकिल के एक्सल में बिठा कर देखेंगे कि बराबर बैठता है या नहीं। तो दोस्तों, ये है हमारे सादे साइकिल के बॉटम का एक्सल और ये है 6903 यानी 6903 नंबर का बेयरिंग। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए, नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है 6903ZZ। डबल जेड का मतलब ये स्टील का जो ये देख रहे हैं ढक्कन लगा हुआ है, कैप कवर दोनों साइड में लगा है। एक जेड मतलब एक साइड लगा रहेगा, 2Z मतलब दोनों साइड लगा रहेगा, और RS रहेगा मतलब रबर सील। तो किसी किसी में रबर सील भी रहता है, RS लिखा रहता है, 6903 RS रबर का सील रहेगा। ये ढक्कन जो है कैप रबर का रहेगा, लेकिन ये स्टील का है। अब हम 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग को अपने सादे साइकिल के बॉटम के एक्सल में बिठाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे बिठा दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे मैंने बिठाया है, ये काफ़ी लूज़ बैठा है। ये देखिए ये गिर गया है, मतलब ये बिल्कुल फिट नहीं बैठा है। ये देखिए, इसकी मूवमेंट देखिए, कितना गैप है इसके अंदर। आपको मैं गैप दिखा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा नज़दीक से दिखा। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है एक्सल और बियरिंग में। ये देखिए, ये कितना हिल रहा है, ये देखिए कितना गैप है इसमें। ये देखिए, तो दोस्तों, एक्सल में और बियरिंग में इतना गैप रहेगा तो आपका एक्सल में मूवमेंट होगा, ऐसे हिलेगा एक्सल, तो आपका चेन रिंग भी हिलेगा, चेन भी गिरेगी, मतलब सारा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। मतलब इसमें अलाइनमेंट है ही नहीं, ये इम्परफेक्ट है। और 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग को ज़रा हम इसके बॉटम के कटोरी में बिठा कर देख लेते हैं। तो ये है सादे साइकिल के बॉटम की कटोरी और ये है 6903 6903 नंबर का बेयरिंग। तो ऐसे तो नहीं जा रहा है, शायद ठोक ठाक दे तो ये कहीं चला जाए या घिस घास दे तो कहीं बैठ जाए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये कटोरी में बैठ भी जाता है, लेकिन इसका जो एक्सल है, एक्सल में अगर ये फिट नहीं बैठा तो क्या होगा कि मान लीजिए ऊपर का जो पोर्शन है ये कटोरी में बैठ गया, और ये जो अंदर का पोर्शन है ये अगर एक्सल में फिट नहीं बैठता है तो आपकी जो एक्सल है वो इसके बीच में ऐसे ही घूमेगी अंदर ही, यानी बियरिंग का कुछ काम ही नहीं, सिर्फ ये स्टील है इसके ऊपर ही रोटेट होगी, यानी स्टील जो है वही बियरिंग का काम करेगी। यानी कि बियरिंग का जो अंदर का जो बुश है, बुश के ऊपर ही जो एक्सल का जो शाफ्ट है वो बस रोटेट होगा। बाय चांस कभी एक बार दो बार कहीं बियरिंग अगर घूम गया, रोटेट हो गया, तो बियरिंग काम करेगी, वरना फ्रिक्शन कहाँ होगा शाफ्ट में और ये अंदर बुश में, यानी घिसेगा क्या, आपका ये शाफ्ट घिसेगा और ये बुश घिसेगा, मतलब यहाँ बेयरिंग का कुछ काम ही नहीं है। तो दोस्तों, इस सादे साइकिल के बॉटम का जो एक्सल है, मेरे कई व्यूअर्स को ये भी जानने की इच्छा होगी कि इसका साइज क्या है, मतलब इसका डायमीटर क्या है शाफ्ट का, तो उसका डायमीटर भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, इसका डायमीटर दिखा रहा है, सोलह दशमलव तेईस mm यानी मिलीमीटर। अब हम 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग का इनर डायमीटर यानी ID को मेजर कर लेंगे कितना है।
6903 नंबर के बेयरिंग का इनर डायमीटर आईडी 16.85 है, कितना है 16.85 mm, और उसका था एक्सल का 16.25, मतलब ये बुश काफ़ी बड़ा है बेयरिंग का, यानी ये फिट नहीं बैठेगा। दोस्तों बेयरिंग का तभी फायदा है जब बेयरिंग शाफ्ट में बिल्कुल फिट बैठती है। अब ये देखिए बेयरिंग है, ये बाइक प्रो का है, ये कंपनी मेड है, कंपनी ने बनाया है इसे, तो अब इसे हम बिठाते हैं। ये देखिए यहाँ ये जाके बिल्कुल जाम हो गए, और उसके बाद इसको पुश करेंगे तो ये जाम जा रही है, जब इसको हम ठोकेंगे तो आगे जाके और पूरा पैक बैठ जाएगी, तब ये परफेक्ट काम करेगी, यानी कि इसमें जो शाफ्ट फिट है वो प्रॉपरली वर्क करेगी, और ऊपर का जो ये पोर्शन है ये आप लगा सकते हैं किसी कप या कटोरी में, ये देखिए ये प्रॉपरली वर्क करेगी। दोस्तों मैंने अपने एटलस साइकिल में एक बाइक प्रो का बियरिंग बॉटम ब्रैकेट लगाया हुआ है, देखिए बाइक प्रो का, और ये देखिए मैं इसको घुमाकर दिखाता हूँ, ये देखिए पानी जैसे चलता है एकदम, और काफ़ी फिक्स है, ये देखिए ये कहीं लोज वोज नहीं है, ऐसे ढकपक नहीं करेगा, एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है, यानी ये कटोरी में बैठ जाएगा, ये देखिए बियरिंग एकदम परफेक्ट कटोरी में बैठ जाता है, हिलने डुलने का नाम नहीं, और जो शाफ्ट है वो भी अंदर बुश में परफेक्टली बैठा हुआ है, देखिए बेयरिंग निकल रहा है क्या, ये नहीं निकल रहा है, ठीक है पूरा जाम है, ये परफेक्टली वर्क करेगा, बेयरिंग का मतलब यही होता है। और ये देखिए इसको मैं घुमा रहा हूँ, कितना आराम से ये घूम रहा है, ये देखिए तो बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट बहुत ही अच्छा और टिकाऊ है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं दिखाता हूँ, ये पुराना बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट है, और ये देखिए ये एक्सल ख़राब हो चुका है, ये देखिए हैमरिंग के वजह से, लेकिन जो बेयरिंग है इसकी ये देखिए अभी भी परफेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी भी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन इसके एक्सल देखिए, ये देखिए एक्सल ख़राब हो चुका है, इधर दिखाता हूँ, ये देखिए एक्सल, ये एक्सल देखिए एक्सल खराब हो चुका है, ये देखिए, लेकिन जो बियरिंग है वो परफेक्ट वर्क कर रही है। दोस्तों ये 6903 बियरिंग को सादे साइकिल की कटोरी में तो नहीं बिठा पा रहा हूँ, लेकिन ये बाइक प्रो का है कटोरी, इसमें ये बैठ जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बैठ जा रहा है, ये देखिए बैठ जा रहा है इसमें, ये देखिए इसमें ये बैठ जाएगा, और इसका जो एक्सल है वो भी ऐसे ऐसे करके बैठ जाएगा, तो वैसे बिठा कर भी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों मैंने दोनों 6903 एंड 6903 नंबर के बेयरिंग को बाइक प्रो के दोनों कप में डाल लिया है, उसके बाद हम एक्सल डाल के और इसको दोनों साइड से कप टाइट कर लेंगे बॉटम में। तो दोस्तों अब मैंने बाइक प्रो के कटोरी में ये 6903 यानी 6903 नंबर का बेयरिंग डाल लिया, उसके बाद मैंने एक्सल को ले लिया और उसको भी इसमें डाल लिया, ठीक है, उसके बाद मैं इसको अंदर डाल लेता हूँ बॉटम में, और उसके बाद कटोरी को टाइट कर देता हूँ, अब मैंने 6903 नंबर का दूसरा बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट के बाइक प्रो के दूसरे साइड का जो कटोरी है उसमें डाल लेता हूँ और दूसरे साइड में उसको टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम इस 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग को दूसरे साइड से बिठा लेंगे और हम इसे उल्टा टाइट करेंगे, ठीक है, जिस साइड से टाइट करते हैं उसकी उल्टी दिशा में इसको घुमाएंगे, ये टाइट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये जाम जाने लगा, ये जो थ्रेडिंग है ये जाम जा रहा है,
क्योंकि इसका अलाइनमेंट बिगड़ चुका है एक्सल का, इसलिए बिगड़ा है क्योंकि जो बेयरिंग है वो मूव कर रही है तिरछा, तो इसलिए अब ये थ्रेडिंग यहाँ पे जाम हो चुकी है, ये एक्सल तिरछा हो चुका है, अब ये थ्रेडिंग को आगे जाने नहीं दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बेयरिंग में शाफ्ट कैसे बिठाया जाता है। दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ाने से अच्छा है मैं इसको खोलकर बाहर निकाल देता हूँ, नहीं तो थ्रेडिंग्स ख़राब हो जाएंगे अगर मैं ज़बरदस्ती टाइट करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 6903 बेयरिंग है ये कितने काम की है। दोस्तों अगर मजबूती की बात करें तो ये बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग है और ये 6903 है, ये देख लीजिए ये कितना पतला है और ये कितना मोटा है। इसके बेयरिंग्स बड़े होंगे और इसके छोटे होंगे, ये काफ़ी कमज़ोर है और ये मजबूत है, ये देखिए कितना पतला है। दोस्तों इसलिए मैं इस जुगाड़ को निकाल देता हूँ और अपना जो पहले वाला बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट है उसको लगा लेता हूँ। दोस्तों इसलिए मैं बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, ये देखियो। डालने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये बॉटम में जो नट निकला रहता है थोड़ा सा या बोल्ट, उसको थोड़ा सा फाइल से घिस लेंगे तो ये आसानी से जाएगा, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि अंदर नहीं जा रहा है। जाएगा ये थोड़ा सा बोल्ट को घिस लेंगे फाइल से तो ये जाता है, ये देखिए ये जा रहा है। और उसके बाद हम इसको उल्टा टाइट कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये टाइट हो रहा है। लेफ्ट साइड का भी कटोरी टाइट कर लेते हैं, कटोरी को बिठा लेंगे अंदर बेयरिंग में और इसको घुमाकर टाइट कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से बैठ रहा है। बस हम इतना ही टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे इस लॉक नट को टाइट करने के लिए और इसको घुमाकर चेक कर लेंगे। अगर ये घुमाने पर ज़्यादा जाम जा रहा है तो थोड़ा सा इसको हल्का लूज़ कर देंगे। अब हम लॉक नट को लगा लेंगे, ये देखिए कितनी आसानी से लग गया और ये देखिए रोटेट भी हो रहा है फ्रीली। दोस्तों लॉक नट को थोड़ा पिन से ठोक कर टाइट कर लेंगे बस, और बॉटम के राइट साइड को बॉटम पाने से टाइट कर लेंगे, ये देखिए बस हो गया। तो दोस्तों मैंने क्वार्टर पिन चेनरिंग और दोनों साइड का क्रैंक लगा लिया है। तो दोस्तों अब मैं इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ इसका मूवमेंट कैसा है। तो मेरे कई व्यूवर्स को काफ़ी परेशानी हुई 6903 यानी 6903 नंबर के बेयरिंग को लगाकर, इसलिए उन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और इसका सॉल्यूशन भी बताऊं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट। दोस्तों अगर आप ये बाइक प्रो का सील्ड बेयरिंग बॉटम ब्रैकेट परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बाइंग लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अमेजन से परचेस कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स का कहना है कि डिस्क्रिप्शन क्या है उन्हें पता नहीं, तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ जो ये एरो है इसको जब क्लिक करेंगे आप तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, इस डिस्क्रिप्शन में इसको थोड़ा ऊपर करेंगे ऐसे तो यहाँ बाइंग लिंक ऑफ साइकिलिंग प्रोडक्ट्स इज बिलो यहाँ दिया हुआ है,
तो यहाँ ये देखिए बियरिंग बॉटम ब्रैकेट और यहाँ ये लिंक है ब्लू कलर में। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अमेजन पे चले जाएंगे। जैसे ये देखिए मैं अभी लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए डायरेक्टली अमेजन पे जाएगा। ये देखिए यहाँ बॉटम ब्रैकेट दिखा रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और इसमें चेक कर सकते हैं। इसको बड़ा करके देखिएगा फोटो को, ये देखिए यहाँ लिखा है बाइक पर, उसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 6903 का 100 रुपये का जुगाड़ लगाने से अच्छा है कि आप 2 पैसे और लगाकर बाइक प्रो का सील्ड बियरिंग बॉटम ब्रैकेट ले लें, जो कि काफ़ी अच्छा और टिकाऊ है। बाइक प्रो के सील्ड बियरिंग को आपको कटोरी में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बिठा बिठाया आता है एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।